बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यह हमारी हो चुकी है मॉर्निंग, और अम्मी जो है ना मॉर्निंग में पराठे बना रही हैं। ओह सॉरी, एग बना रही है। तो जी ये वाले पराठे हैं, और ये पराठे जो है ना भाई होटल से लेकर आए हैं, क्योंकि अफगानी जा चुके हैं। पहले मेरे भाई नान लाया करते थे ना, तो अब तो जैसे कि आप सभी को पता है अफगानी नहीं है, तब होटल के पराठे खाएंगे ये लोग। चले बस अम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया, अब अम्मी ऐसे जाएंगी और मैं घर के पराठे बनाऊंगी। तो मैं आज फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ लच्छेदार पराठा, तो सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लो। ये देखिए कल मेरा हाथ भी जल गया, ये नज़र आ रहा है। कल जब मैं पराठे बना रही थी कल मेरा हाथ जल गया था, बहुत ही तकलीफ थी। फिर ये लच्छे, तो आज फर्स्ट टाइम मैं लच्छेदार पराठे बना रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लच्छेदार बन के तैयार हुए थे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मज़ेदार तो जी ये यहाँ पे चाय बन रही है सुबह नाश्ते की, जैसे कि आप सभी को पता है मैं फ्रेश बना ली थी चाय। इस तरफ मैंने कप रखे हम तीनों सिस्टर्स के, एक बनाया है रात को बचा हुआ सालन है। अबू के लिए चाय बना दूंगी, क्योंकि अबू कहते हैं आप इस टाइम फ्रेश बनाती हो तो मुझे भी आधा कप दे दिया करो। और थर्ड पॉट उठा लिया है क्योंकि बस ड्राई सा मौसम हो गया है ना, तो रोटियाँ और पराठे ड्राई हो जाते हैं, तो इसमें रोटी पराठे दोनों पड़े हैं। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट है आज का। चाय अच्छे से उबल जाए उसके बाद फिर मैं अपने निकाल दूँगी चाय। तो जी ये है हमारा आज का माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट, और जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके बाद फिर आगे की रोटी आपसे शेयर करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करने के बाद ना यहाँ पे हो जाता है हमारा लंच टाइम। हया ने आज बीफ पुलाव बनाया है, तो मैंने सोचा चले सैलेड की कटिंग कर देती हूँ। प्याज को मैंने पानी में भिगो के रख लिया ताकि इसका जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाए, और बाद में मैं फिर इसमें कुकम्बर भी कट कर लूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना अचानक से हमारे घर पर फिर मेहमान आ गए थे, मेरी सिस्टर आई थी हमारे घर। तो जी यहाँ पर हया ने बनाए बीफ पुलाव, बीफ यखनी पुलाव। माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल, बहुत मज़े की है। अच्छा दही नहीं था, मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया हरी मिर्च प्याज और कुकम्बर। भाई कह रहे मुझे ऐसी दे दो, नहीं है तो बस रहने दो दही। और ये देखिए माशाल्लाह वो मत टक टक। चले मैं जो ना सैलेड अलग कर देती हूँ थोड़ा सा। तो जी ये मैं और हया खाना खाने लगे हैं बीफ बिरयानी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना। तो ऐसा है कि अभी जो है ना सिस्टर भी आई है, उनके लिए भी खाना डाल लिया, भाई भी खाना खा रहे हैं मेरे। अबू को भी खाना दे दिया है और सभी खा रहे, तो हया ने अपने लिए मेरे लिए भी खाने निकाल लिए। चलो मैं जल्दी से खाना खाती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मिलते हैं आप लोगों से। जाने हो गई है असर की, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैंने वज़ू बना लिया था और शीशे के सामने ही खड़ी थी कि अजाने हो रही थी,
नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैं शाम की चाय बनाऊंगी। अभी कुछ देर में हमारी लाइट भी आ जाएगी, इस वक्त लाइट नहीं है। चले भाई नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं। तो जी आज हमारी टी टाइम में अबू लेकर आए हैं ओरिजिनल लेमन सैंडविच बिस्किट, तो ये हम खाएंगे। और बस शाम की चाय मैंने सोचा ज़्यादा नहीं दिखा, डेली दिखाती हूँ, तो जल्दी से चाय इंजॉय करती हूँ। ये है लेमन, ओरिजिनल लेमन सैंडविच बिस्किट। आज अबू हमारे लिए येलो वाली बिस्किट लेकर आए, तो इसे हम खाएंगे अभी जो है। बाय बाय नहीं हुआ अभी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही है, ज्यादा मजे की नहीं है। अम्मी और आ जाओ चाय पी लो। आया नमाज पढ़ ली, अम्मी ने नमाज पढ़ ली है, भाई को पानी देके आ रही है। तो मैं आ गई हूँ रूम में। सर में कोई इतना शदीद दर्द हो रहा है मेरे, मालूश थे। ये देखो पेनाडोल खाने लगी थी, पेनाडोल नहीं है, एयर ने खाने लगी थी, एयर ने खाई। अभी जो है ना भाई से कहती हूँ लिया बेटा, नहीं तंग करो, सर में बहुत गंदे वाला दर्द हो रहा है मेरे, ये दोनों खत्म हो गए, मंगवा देती हूँ। अब नहीं है तो खाली पैक इन्होंने इसमें रख लिया। ये कौन सी है, राइजेक्स, ये एलर्जी के लिए। तबीयत बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी मुझसे भी लोग नहीं बन पा रहा, तबीयत ठीक होगी इसके बाद ही बनाऊँगी। ये देखा मेरा भाई माशाल्लाह से मज़ेदार फ्रेश फ्रेश बड़ा बड़ा अंगूर लेकर आया। लाइट नहीं है हमारी, तो लाइट जो है ना हमने लगाई है, मैं दिखा देती हूँ ये वाली, अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे भाई टेबलेट लेकर आ गए, पेनाडोल मैंने खा ली थी, एर्निक भी खा ली थी दूध के साथ, और व्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें, मुझे रखे दुआओं में याद, अल्लाह पाक मेरी तबीयत ठीक करें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।